हेलो क्लास, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नोडल टिश्यूज ऑफ हार्ट। ह्यूमन हार्ट और जो स्नेल्स वगैरह देखे आपने, वो मॉलस्किन फैमिली होती है। जिस फैमिली से स्नेल्स बिलोंग करते हैं उसे हम मॉलस्किन फैमिली कहते हैं। और ह्यूमन हार्ट और ये जो मॉलस्किन फैमिली है, ये एक चीज़ सिमिलैरिटी शेयर करती है कि हम दोनों के हार्ट, वर्टिब्रेटा और मोलस्का, दोनों के हार्ट मायोजेनिक होते हैं। मतलब इसमें मसल्स स्टिमुलेशन क्रिएट करती हैं। मतलब हम इसे ये भी कह सकते हैं, ऑटो एक्साइटेटरी भी कह सकते हैं। ये खुद से एक्साइटेट होता है, इसको नर्व्स की सप्लाई नहीं है, ये खुद से एक्साइट होता है। इसे हम ऑटो रेगुलेटरी भी कहते हैं क्योंकि ये अपना रेगुलेशन खुद ही करते हैं। इसे हम इंट्रिंसिकली रेगुलेटेड भी कहते हैं। मैं इतनी सारी टर्म्स इसलिए बता रही हूँ कि क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज ना हो। और ऐसा कैसे करते हैं ये हार्ट्स, मतलब ये मसल्स, इनमें ऐसी क्या क्वालिटी होती है? इनमें प्रेजेंट होते हैं नोडल टिश्यूज़, और नोडल टिश्यूज़ को हम कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी कहते हैं क्योंकि ये टिश्यूज़ इम्पल्स जनरेट कर सकती हैं। तो जैसा सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एसए नोड। एसए नोड को हम साइनो साइनो एट्रियल नोड भी कहते हैं। ये एक होती है, आपको दिख रहा है, और ये अपर राइट कॉर्नर में होती है, राइट ऑरिकल के। आर ए मतलब राइट ऑरिकल, तो ये अपर राइट कॉर्नर में प्रेजेंट है। और इसका मैक्सिमम पोटेंशियल 70 से 72 टाइम्स होता है। और पेसमेकर क्या होता है ये बताओ मुझे। पेसमेकर मतलब वो सिस्टम, वो जो कि हमारे हार्ट की रिदम का सेटअप करता हो। ऐसा कोई सिस्टम जो कि हमारे हार्ट की रिदम का सेटअप करता हो, उसे हम पेसमेकर कहते हैं। तो हार्ट का पेसमेकर क्या है? एसए नोड। एसए नोड मतलब साइनो एट्रियल नोड। अब एक और चीज़, इसमें आपको जो ये मैक्सिमम पोटेंशियल दिख रहा है 70 से 72 टाइम्स, ये आपको कहीं देखा देखा सा नहीं लग रहा? मतलब आपने कहीं देखा हो, मतलब एक एवरेज हार्ट कितनी बार बीट करता है? 70 से 72 टाइम्स, मतलब हर एक स्टिमुलेशन पे एक बीट। मैं हार्ट बीट की लब डब नहीं बोल रही, आप सिर्फ लब गिनो या फिर सिर्फ डब गिनो, दोनों को गिनोगे तो डबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम आए ए वी नोड पे। ए मतलब एट्रियो, वी मतलब वेंट्रिकुलर नोड, देख रहे हो? और ये इसका काउंट कितना होगा? 1। इसकी पोजीशन क्या होगी? लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल। सब कुछ सेंस बना रहा है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल के लेफ्ट कॉर्नर में। राइट कॉर्नर में, अपर राइट कॉर्नर में एसए नोड है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर में एवी नोड है। अब देखो पॉइंट होता क्या है। एसए नोड है पेस मेकर, मतलब ये जो रिदम को सेटअप करने का काम एसए नोड का है, और एवी नोड का काम है पेस सेटर, मतलब इसको इनहेंस करने का काम एवी नोड करता है। अगर एसए नोड 70 से 72 पोटेंशियल, मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल देता है, तो एवी 40 से 45 मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल देता है। तो अक्सर पेशेंट का अगर एसए नोड खराब हो जाए, तब भी पेशेंट थोड़ा सरवाइव कर लेता है एवी की वजह से, जब तक उसका नया पेसमेकर ना लग जाए। तो एसए नोड से स्टिमुलेशन एवी नोड के पास पहुंचती है। अब यहां से बनता है एवी बंडल, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। ये ऐसे घूमता है और फिर ये ट्रैवल करता है वेंट्रिकुलर सेप्टम में। समझ आ रहा है? यहां से ये जो एवी बंडल है वेंट्रिकुलर सेप्टम से डिवाइड होता है लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में, और इसे हम परकिंजे फाइबर्स कहते हैं। और ये दूसरी तरफ भी बना और दूसरी तरफ भी परकिंजे फाइबर्स। सो बंडल ऑफ इस क्या होता है? राइट एंड लेफ्ट एवी बंडल्स प्लस परकिंजे फाइबर्स। परकिंजे फाइबर्स कह सकते हो, पुरकिंजे फाइबर्स कह सकते हो, पॉइंट है समझ में आना चाहिए कि ये दोनों चीजें एक ही है। तो ये हमने फिनिश किया नोडल टिश्यूज। अब हमारा बच गया है बस कार्डियक साइकिल और डिजीजेस। सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड वेरी हैप्पी लर्निंग।